जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रों का पावन त्योहार चल रहा है और इन पवित्र नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन दिनों में हर कोई माता रानी की भक्ति में लीन रहता है। भक्त पूरे मन से माँ की आराधना करते हैं और मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रे के 9 दिनों में जो से माँ रानी की पूजा व्रत रखते हैं उसकी हर मुराद जरूर पूरी होती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों का इन 9 दिनों में पूरा ख्याल रखती है, उनकी भक्ति को स्वीकार करती है और पूर्ण आशीर्वाद देती है। माँ अपने भक्तों को कुछ संकेत भी देते हैं। ये संकेत इस बात को लेकर होते हैं कि उनके द्वारा की गई प्रार्थना माँ दुर्गा के दरबार में स्वीकार हुई या नहीं। हम यहाँ ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं ये खास संकेत। दोस्तों, नवरात्रों में अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझ लीजिए कि माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर पर धन संपदा आने वाली है। नवरात्रि में अगर आपको रास्ते में कहीं जाते हुए 16 श्रृंगार में कोई महिला दिखाई दे तो समझिए कि आपकी परेशानियों के दिन अब समाप्त हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, क्योंकि 16 श्रृंगार में स्वयं ही माँ दुर्गा ने आपको दर्शन दिए हैं। नवरात्र के अवसर पर अगर सुबह नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। साथ ही नवरात्र के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाय के दर्शन हो जाए तो समझिए कि जल्द ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। नवरात्रों में सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपको जल्द ही धन लाभ होगा और घर में संपन्नता आएगी। नवरात्रे के पावन मौके पर सपने में शंख देखने से भी व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। दरअसल जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठता है और हर जगह सकारात्मकता फैल जाती है, वैसे ही देवी माँ की कृपा से आपका नाम पूरे विश्व में गूंजेगा, वो भी सकारात्मक रूप से। दोस्तों, आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या सिक्का दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि कन्या को साक्षात दुर्गा का स्वरूप माना गया है। सपने में मिलने वाले संकेत से पता चल जाता है कि देवी माँ की आप पर विशेष कृपा है और आपकी पूजा व्रत माँ ने स्वीकार कर ली है। नवरात्र के दिनों में अगर आपके सपने में आपको माँ लक्ष्मी जी दर्शन दे तो ये समझ लीजिए कि आपको धन लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।